हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किसी काम से बाहर गए थे, जब वहाँ से लौटने लगे ना तो रास्ते में मुझे गन्ने का जूस दिखा, पर इतनी जल्दी थी कि उसे पी नहीं पाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। जब घर आई तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ पड़ी थी जिससे गन्ने का जूस रेडी किया जा सकता है। मैंने कहा चलो फटाफट बनाकर इसे पीते हैं। तो आज बनाएंगे गुड़ का शरबत, इसमें गन्ने वाला फ्लेवर और एक नया टेस्ट आएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है, इसे मैंने तोड़ लिया है, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी इमली ली है, एक कप पुदीना लिया है फ्रेश। अब गैस के ऊपर एक कोई गहरा बर्तन रखेंगे, इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। फिर इसमें गुड़ ऐड करेंगे, पुदीना पत्ता ऐड करेंगे और इमली ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और इसे पकने देंगे जब तक कि आधे लीटर से भी कम ना हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड कर देंगे। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इसे पकने देंगे। तो ये हमारा गुड़ का शरबत बनके रेडी है। तो ये आधे लीटर से बहुत कम हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। तो शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, अब इसे एक बोल में छान लेंगे। तो शरबत को छानने के बाद इसे किसी एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करके आप रख सकते हैं। इसे फ्रिज में 15 से 20 दिन तक रखिए और आराम से जब भी शरबत पीने का मन करे तो इसे बनाइए और फटाफट पी जाइए। तो आगे से आप गन्ने का जूस पीना बंद कर देंगे, इसी शरबत को बनाकर पियेंगे। तो शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ग्लास में 2-2 टेबल स्पून चिया सीड्स ऐड करेंगे। तो चिया सीड्स को मैंने सोख करके रख दिया था। अब दोनों ग्लास में गुड़ वाला शरबत ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ढेर सारा आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। अब 2-2 लैडल भर के गुड़ वाला शरबत ऐड करेंगे। अब इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद शरबत को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसे एंजॉय करेंगे। तो आज मेरे गुड़ की शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।